मेरी छोटी नानी मार्गरीटा के दिल से जो आवाज निकली बरसों की घुटन बिखर गई। टीटा को ये एहसास हुआ कि अब वो लड़की नहीं रही जो एलेना माए के डर से अपनी ख्वाहिशों को दबाती रही, बल्कि अब वो एक औरत है जो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है। डॉक्टर जॉन के घर में पाया हुआ सुकून टीटा किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। केंचा, मैंने मना किया था ना कि इस घर में कोई टीटा का नाम भी नहीं लेगा, और तुम मुझसे मिलने चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल यहाँ से, निकल। माई, मैं तो वहाँ चाचा से मिलने गई थी गांव में, और वहाँ किसी ने मुझसे कह दिया कि टीटा दीदी डॉक्टर साहब के घर में रह रही है, इसलिए मैं उससे मिलने चली गई। लेकिन माई, टीटा दीदी तो बहुत बदल गई। आप ठीक कहती थी, उसने तो मुझसे साफ कह दिया कि माई से जाके कह देना कि मैं उसके लिए मर गई। आप ठीक कहती हैं माई, हम लोग को टीटा दीदी को भूल जाना चाहिए, उसका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। तू गांव में अपने चाचा से मिलने क्यों गई थी? किसके कहने पर गई थी? निकल यहाँ से, बदजात। बाप रे, नहीं नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा। टीटा, तुम्हें इनमें से जो भी पसंद आए ले लो, जमा के कपड़े शायद तुम्हें ठीक आए। बहुत संभाल कर रखा है अपनी पत्नी की यादों को। कुछ ही तो निशानियां हैं मेरे पास जमा की, उसके कुछ ये कपड़े, कुछ खत और एलेक्स। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, अगर हम देर से पहुंचे तो पॉल सारा खाना खा जाएगा और हमें भूखे ही घर लौटना पड़ेगा। फिर मुझे मत कहना। पागल, पता है माई मुझे देख के क्या करने लगी? अपने कपड़े फाड़ने लगी और जोर से चीखने लगी कि चंचा, मैं तेरे साथ घर नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। माई, अब तो हमें टीटा दीदी को भूल ही जाना चाहिए, आज से कभी हम उसका नाम भी नहीं लेंगे। यही ठीक है, माई मुझसे बहुत खुश हो जाएगी और शायद मेरा माथा भी चूम ले। ओ, तो आ गए थे ना? मार्गरीटा। पॉल, हम तो खाना शुरू कर देते, फिर हमने सोचा कि मार्गरीटा के सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। तैयार तो हम बहुत पहले हो गए थे, लेकिन टीटा आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं तो वक्त ही भूल गया। एनीवे, बाय द वे, दिस इज डाना फ्लेविया रिबेरो। मार्गरीटा, तुम डोना एलेना की छोटी बेटी हो ना? जी हाँ। कैसी है वो? जी पता नहीं। पता नहीं? मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ भैया, मुझे लगी है। चले चलिए चलिए, प्लीज।
नहीं माई, मैं अभी आपको सबको समझा देती हूँ। ऐसा बोलो, लगता है घर के अंदर कुछ चोर घुसा है। दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा। पता है तुम्हें देख के लगता ही नहीं है कि तुम वही चीता। हाँ, मैं वो चीता नहीं हूँ। अच्छा? बस तेरा गन सावन तिदक वेता है दावन तुझे मोगन पुए वही दाव बावन मोगन जायते बाए कोटक नहीं अस्ते के नहीं रोटप दे दुवेन अविन सोज मुझे पोटा रगो तू मोजो खूब मोजो मोगा चोरूप गोपन आस्तोस पुन लागो ना मका बुक तजे मुक्के लोलो फोड़ून दादा कोशे आता दुरून दोर्यन लोटन वैता मोगा चे तारून। मैं बहुत घबरा रहा हूँ। सोचता हूँ ये एहसास मेरे साथ पहले भी हुआ है और सोचा था कि ऐसा फिर शायद कभी महसूस नहीं कर पाऊँ, लेकिन मैं गलत हूँ। मुझे प्यार हो गया है तुमसे। मुझे शादी करोगी? हम जल्दी हिमाई से अपनी शादी की बात करेंगे। नहीं टीटा, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर हिमाई से हम शादी की इजाजत लेने नहीं जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं। क्या तुका मोजे चौगा वेल्या आजा तो चां देवता पोशी की मिता तुझा पुरोशी कोई लते ली साव सोगड़ी नंग तक कोसरे के साव देवत गातले पुरे कुल पे जेपले साव ला 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 मोगाना सांग बोरे
अचानक हालात उलट गए थे। एलेना माई ने देखा कि टीटा खुश है और उसके चेहरे पर प्यार की धमक है। वो समझ गई कि डॉक्टर जॉन उसे टीटा का हाथ मांगेंगे। एलेना माई के रीढ़ की हड्डी डाकुओं ने तोड़ दी थी और अब टीटा उनके खानदान के दस्तूर को तोड़ने जा रही थी। मैंने डॉक्टर बेगेंजा से बात की, कहते हैं डोना आप कभी चल नहीं पाएगी, उनके दोनों पैर बेकार हो चुके हैं। अब हमें उनका काफी ख्याल रखना पड़ेगा टीटा। जॉन मैं सोचती मैं यहीं रह जाऊं। मैं जानता था तुम यही कहोगी। कहो तो एक नर्स का इंतजाम कर दो। नहीं माई को इस वक्त हमारी जरूरत है, किसी नर्स की नहीं। ये भी ठीक है, मैं उन्हें रोज आकर देख जाया करूंगा और तुम्हें भी। हम जल्दी ही मामा से अपनी शादी की बात कर लेंगे। और हाँ, एलेक्स तुम्हें बहुत याद करेगा। और आप? मैं आपको भूलूंगा ही कब। मैं कल फिर आऊंगा। हेलो डेविड, कैसा? अच्छा है। हेलो आंटी। अरे भाई साहब जरा बैठने दो, बैठ जाओ इधर। भाई साहब बैठ जाओ इधर। अरे यार ये तो भूल गया। मैं भी पी अलग था, तुम भी पी अलग, कोई बात नहीं। तुम्हारा शादी हो गया? नहीं। अरे तुम्हारा? नहीं। अरे दोनों का शादी नहीं हुआ? ए गॉड, अपना शादी जरूर करने का। अरे 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 अरे, अरे। देखो मैं शादी कर रहा हूँ थोड़े दिन के बाद, ये रिंग लेके आया मैं। अरे आंटी कैसा? आंटी ये रिंग लेके आया मैं, शादी कर रहा हूँ मैं। कैसा? अच्छा एकदम से गुड है ना। मैं लेके आया तो अच्छा तो हो गई ना, मैं कभी गलत चीज ला सकता? चंचा मैं आ गया। तुम्हें मेरे आने से कोई खुशी नहीं हुई? हाँ समझ गया समझ गया, मैं देर से आया इसलिए तुम मुझसे नाराज हो।
लेकिन मैं क्या करता, अब गया भी तो जरूरी काम से था ना। और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूं, सगाई की अंगूठी। अच्छी है ना चंचा, तुम्हें कोई खुशी नहीं हुई? अरे मेरे तो पूरे महीने भर की तनख्वाह लग गई इसमें और तुम कुछ बोल ही नहीं रही। और देखो सगाई के बाद ये मत कहना कि सगाई की अंगूठी भी दी तो दो कौड़ी की। चाचा मुझसे कुछ बात करो ना। अरे एक खुशखबरी देना था तुम्हें, मैं भूल ही गया, मुझे शहर में नौकरी मिल जाएगी और फिर तुम्हारी माई की नौकरी तो यू 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 यो, उसके बाद तुम्हारी मेरी शादी। चंचा क्या हुआ? चंचा चंचा तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मुझे बताओ, माई ने कुछ कहा तुम्हें? चंचा बताओ ना क्या हुआ, फिर मुझसे कुछ गलती हुई? चंचा बताओ ना क्या हुआ? चंचा चंचा दीदी देखो तुम वापस आ गए। हाँ दीदी, वो चंचा को पता नहीं क्या हो गया, मुझसे बातें नहीं कर रही। मैं तो उसके लिए ये सगाई की अंगूठी लाया था, तो इसको देखते ही वो रो पड़ी और भाग गई। दीदी मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं, आपसे उसने कुछ कहा क्या? तुम बैठो ठीक है। नहीं ठीक है, हिम्मत से काम लो और उसे समझने की कोशिश करो।